नमस्कार दोस्तों, तांसी किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे वेज चाउमीन, सभी को खासकर बच्चों को पसंद आने वाली स्ट्रीट फूड स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। चाउमीन बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे पानी में। और ये देखिए मैंने चाउ पाव वाली चाउमीन ली है, इससे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। आप कोई भी चाउमीन यूज कर सकते हैं। तो मैंने 3 पैकेट यूज किया है, इसे मैंने गर्म पानी में डाल दिया है। इसे हम थोड़ा चाउमीन को खोल लेंगे पानी में, जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से पकेंगे। तो ये देखिए चाउमीन हमारा 80% डन हो गया। अब इसे हम छान लेंगे, ये देखिए। और इसे मैंने ठंडे पानी से बिल्कुल धुल लिया है, जिससे ये इसकी कुकिंग रुक गई है। अब इसमें हम 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप कोई से भी तेल यूज कर सकते हैं। नियोल का सोया सॉस मैंने यूज किया है, तो 1 चम्मच ये डार्क सोया सॉस है, तो आधा चम्मच मैं डालूंगी इसी में चाउमीन में ही। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों इस तरह अगर आप बनाएंगे चाउमीन तो बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल फूड स्ट्रीट फूड स्टाइल में बनेगा। तो इसे हम ऐसे मिक्स कर देंगे। 2 फोक लेंगे, फोक की मदद से हम इसे मिक्स कर लेंगे ऐसे कि चारों तरफ हमारा सोया सॉस चाउमीन में लग जाए। इसे अब हम छोड़ देंगे। और सब्जियों में मैंने देखिए 2 बड़े गाजर को मैंने बारीक बारीक काट लिया है लंबा लंबे टुकड़ों में, 2 शिमला मिर्च काटा है मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में, और 3 छोटे साइज़ के प्याज काटे हैं और 2 हरी मिर्च को लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। इसके लिए मैंने टमाटो केचप लिया है, विनेगर लिया है। तो ये हमारी सारी सब्जियाँ कट गई हैं। मैं ज़्यादा वेजीज वाला बना रही हूँ, आप कम ज़्यादा जैसा भी हो आप डाल सकते हैं। तो एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। इसमें मैंने लहसुन को लंबा लंबा बारीक काटा था, 3 लहसुन लिया था, उसे मैं डाल दूंगी। हरी मिर्च को डाल दिया मैंने। तेल बिल्कुल गर्म रखना है हमें, और गर्म तेज आँच पे ही बनाना है। तो सबसे पहले हम गाजर डालेंगे, क्योंकि गाजर पकने में समय लेता है। और प्याज डाल देंगे, गाजर प्याज को साथ में डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से हम तेज आंच पे इसे भूनेंगे। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए कि चाउमीन कैसे बनता है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला और इसे हमें अच्छे से मिला दिया। बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में बना रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो आप देखिए कैसे बन रहा है। तो ये देखिए हमारा गाजर और प्याज पक रहा है अच्छे से। गाजर को हम अच्छे से भून लेंगे, ये देखिए। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे, जो मैंने 2 शिमला मिर्च को बार लंबा लंबा काटा था उसे डाल देंगे। और अच्छे से इसे भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। ये सब बिल्कुल तेज आंच पे ही करना है दोस्तों। तो तेज आंच पे ही कीजिएगा, जिससे आपकी सब्जियां बिल्कुल क्रंची रहेंगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। ये मैंने सब्जी मसाला यूज किया है, नूडल्स मसाला जो आते हैं, पास्ता मसाला आते हैं, या मैगी मसाला, आप कुछ भी डाल सकते हो। वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था, तो मैं थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला और थोड़ा सा सोया सॉस डाला इसमें, थोड़ा सा टमाटो केचप डालूंगी। आपके पास जो भी सॉस हो, चिली सॉस, हरी भी हो, ग्रीन चिली सॉस, आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इसे कम तीखा बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को भी खाना है। तो इसमें मैंने आधा टमाटर लंबा लंबा काट के डाल दिया है। तो इसे मैंने बिल्कुल कम तीखा रखा है, ज़्यादा चिली सॉस का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप चाहे तो डाल सकते हैं चिली सॉस। अब हम इसमें चाउमीन को डालेंगे, जो हमने उबाल के रखे थे सोया सॉस और तेल लगा के रखे थे। अब इसे हम
एक फोक और जो हमने स्पेचुला लिया था उस दोनों को किस सहायता से हम चाउमीन को अच्छे से मिला लेंगे। आप चिमटे से भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छे से चाउमीन मिल जाता है। मैं तो फोक से ही मिलाती हूँ, इससे मुझे इजी पड़ता है। ये देखिए हमारा अच्छे से चाउमीन मिल गया। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे। विनेगर भी मैं निलॉन का ही यूज कर रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं 2 चम्मच इसमें विनेगर डालूंगी। विनेगर सबसे लास्ट में डालूंगी गैस बंद करने के बाद, जिससे इसका स्वाद इसमें बना रहे। ये देखिए फिर से हम एक बार मिला लेंगे चाउमीन को। तो ये देखिए बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में हमारा चाउमीन तैयार है। चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है ना चाउमीन दोस्तों। तो आप भी ऐसे ही बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए। बच्चों को तो खासकर बहुत ही पसंद आएगा ये चाउमीन। तो इस तरह आप चाउमीन बनाइए और अपने बच्चों को खिलाइए। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये चाउमीन की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितना टेस्टी बना है दोस्तों बिल्कुल। और ये जो चाउमीन मैंने यूज किया है ये भी बहुत ही टेस्ट अच्छा चाउमीन है, इससे बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आता है। आप कोई सा भी चाउमीन यूज कर सकते हैं। तो मैंने वेजीज ज़्यादा डाली हैं, तो मैंने वेज चाउमीन बनाया दोस्तों। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।